ना। आई नो आई नो, आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे कि दीदी आपके कानों में सुई की बोतल लटक रही है। हाँ जी। यार देखो कितनी क्यूट है। मम्मू तू भी हेलो बोल दे सबको। ओए कुत्ते। गाइस जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले 24 आवर्स मिनी फूड चैलेंज। मैंने इस वीडियो का इंट्रो ऑलरेडी पहले से कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, हाँ मैं सोचती भी, और सोचने के बाद में मैंने रियलाइज करा कि ये एक चैलेंज होने वाला है, तो क्या मुझे अजीब गरीब डीएम्स भरने चाहिए या नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने डिसाइड करा कि इस वीडियो के लिए भी मैं कुछ अजीब गरीब डीएम्स भरूंगी। पता नहीं आप लोगों को क्या मजा आता है जब लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। चलो कोई नहीं, आपके लिए मैं ये भी सहने के लिए तैयार हूँ। किसी ने लिखा है भाड़ में जाओ। अच्छा आपका घर? किसी और शख्स ने पूछा है तुम इतना हंसती क्यों हो? क्योंकि आपका थोपड़ा बहुत फनी है। Damn, it feels good to be a gangster. एक और इंसान ने डीएम करा है, poop in Korea. Why your forehead is big? क्योंकि मेरे पास ब्रेन है, लेकिन आपको क्या पता आपके पास है नहीं ना। एक लकड़े ने लिखा है, darling तुम सोने से पहले क्या करती हो? आंखें बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने लिखा है आपको यूट्यूबर होना चाहिए। वाह भाई वाह, इतना मस्त आइडिया मेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आया। और आज का लास्ट डीएम, इस काले कुत्ते को बेचकर सफेद कुत्ता ले ले। कुत्ते में नहीं जाना, बोला ना कि कुत्ते में नहीं जाना। अबे इज्जत से मंगमंग जी बोला कर, मंगमंग जी। अभी फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं, सीधे वीडियो के पॉइंट पर जाते हैं। और गाइस अगर आप ऐसे वीडियो चैलेंजेस और भी देखना चाहते हो ना, जैसे कि बिग फूड चैलेंज, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक थूक देना नहीं ठोक देना। कोई बात नहीं, चलता है। गाइस प्लीज डरना मत, मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ, मैं अभी आपको मेरा बिना मेकअप वाला थोपड़ा दिखाने वाली हूँ। प्लीज कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। Anyway guys, जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले 24 hours mini food challenge. इसका ये मतलब है कि आज हम छोटी चीजें इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मेरे haters अपनी छोटी सोच यूज करके मेरा वीडियो देखते हैं। खत्म। आपका स्वागत है मेरे संडास में। ये रहा मेरा मिनी टॉयलेट, इसको ऐसे बंद कर देते हैं और इसके अंदर बैठ कर मैं नहाती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 9 बजे हैं तो हमें ब्रश करना है। आम इंसान ये वाली कॉलगेट और ब्रश यूज करते हैं, लेकिन आज हम मिनी चैलेंज कर रहे हैं ना, तो हम यूज करेंगे, देखो, ये रही मेरी ब्रश और कॉलगेट मैंने इस मिनी क्यूट से कपबोर्ड के अंदर रखी है। ये रही हमारी मिनी कॉलगेट, ये नॉर्मल वाली और ये छोटी सी नन्ही क्यूट वाली छोटी सी टूथ ब्रश। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, कॉलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। गाइस अभी ब्रशिंग तो हो गया और अभी हम हमारे थोबड़े का मेकअप करते हैं। सो आगे रही छोटी वाली स्किन केयर, पीछे रही उसका बड़ा वाला वर्जन, ये छोटा वाला सीरम और ये बड़ा वाला सीरम। छोटा वाला फाउंडेशन नहीं है तो मैं सिर्फ कंसीलर ही यूज कर रही हूँ। अभी मैं रेडी शेडी हो गई हूँ और इस मिनी किचन को अनबॉक्सिंग करके गरम गरम चाय बनाते हैं। तदान गाइस, ये रही मेरी मिनी किचन, ये रही टेबल, छोटी छोटी कुर्सी, छोटी सी बाल्टी भी रही तवा रोटी बनाने के लिए, इसके अंदर हम सब्जी बनाएंगे। ये वाला वाटर डिस्पेंसर है, अगर इसे दबाओगे ना तो अंदर से पानी निकलेगा। चाय बनाने से पहले इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ पर रख के इसके अंदर चाय बनाते हैं। सबसे पहले पानी डालते हैं, चाय पत्ती, फ्रिज से दूध निकालते हैं, थोड़ा और दूध, शुगर ऐड करने के बाद में मैंने चाय को अच्छे से बॉईल करा। फाइनली मेरी चाय रेडी हो गई है। यह है 60 रुपए का छोटा सा कप जो कि मैंने थाईसो से लिया था। अभी चाय छान। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते हो उसको? गिराना नहीं है इसको। चीयर्स। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। यार ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। गाइस इतनी सी चाय से मेरा पेट नहीं भरा, तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ इस सी यू कन्वीनियंस स्टोर में। आई होप कि मुझे यहाँ पर कुछ छोटा सा खाना मिल जाए। मैंने छाबड़ी भी ले ली, ये है मिनी कुकीज़, तो ये वाले लेते हैं। यहाँ पर मिनी बर्गर्स भी हैं, तो दो मिनी बर्गर्स ले लेते हैं। ये रही छोटी वाली ट्विक्स और यहाँ पर रही उप्स, ये मूंग मूंग के लिए ले लेते हैं। नहीं कम था अम्मी का। गाइस गेस करो मैं कहाँ पर हूँ। थाईसो, मुझे याद है कि मेरे पास कुछ छोटे वाले बर्तन नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो थाईसो चलते हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं। सेकंड फ्लोर पर बर्तन का सामान मिलता है। ये रही छोटी सी कटोरी, ये छोटी वाली प्लेट भी ले लेते हैं, कितनी क्यूट है। मिनी फोर्क, ये रहा मिनी बाथरूम, मिनी किचन, मिनी लिविंग रूम एंड मिनी बेडरूम। यहाँ पर एक कुत्ता और यहाँ पर मोमो का घर भी है। सबसे पहले हम मोमो को ये खिलाते हैं, ठीक है मोमो? नहीं नहीं ऐसे नहीं खाते मोमो।
ये रही मेरी मिनी टेबल, इसके ऊपर ही एक मिनी कटोरी, ये है बड़ा डब्बा दूध का जैसे कि अमिताभ बच्चन। स्टार्ट करो। इस छोटे वाले को हम बुलाएंगे जया बच्चन। डोंट यू डू दैट। और इससे भी छोटा एक और, ये रहा नन्ना मुन्ना सा, और इसको हम बुलाएंगे नेहा कुरकुरे। अभी हम हमारे कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, बिल्कुल छोटे से हैं। सबसे पहले कि मोंग मोंग इसे खाए, मैं खा लेती हूँ। खत्म, टाटा बाय बाय। अभी हम ये मिनी वाली बर्गर खाते हैं। ये है नॉर्मल बर्गर और ये वाला है मिनी बर्गर। लेट्स ईट इट। गुड। ये है बड़ी वाली और ये है छोटी वाली। आई थिंक ट्विक्स इंडिया में भी मिलते हैं ना, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। हेलो, मैंने मेरा फैशन वापस चेंज कर लिया क्योंकि मैंने सोचा कि इतना खाना खाने के बाद में जिम तो बनता ही है ना। सच बात बोलू, मुझे जिम बिल्कुल भी नहीं जाना है, लेकिन मैं महीने के अराउंड $100 देती हूँ जो कि रुपीज में इतने बनते हैं, तो इतने पैसे दिए तो जाना तो पड़ता ही है ना। अभी हम अपने आप को जिम में टेलीपोर्ट करते हैं। मेरी जिम, लेट्स गो। ये वाली यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव जिम है और यहाँ पे आपको कुछ लकड़ियाँ मिलेंगे जो कि अपनी बॉडी दिखा रहे हैं ऐसे मस्त मस्त डोले शोले बनाकर। फेस रिकॉग्निशन, ये रही मैं। यहाँ पर मैं पिलाटेस क्लासेस करती हूँ। अभी जैकेट और स्कार्फ उतार तो उसके बाद में जम के डोले शोले बनाते हैं। वर्कआउट कर लिया, मुझे बहुत भूख लगी, लंच करना है, तो अभी जल्दी से मैं अपने आप को घर पर टेलीपोर्ट करती हूँ। I'm back। मुझे पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मिनी पानी पूरी बनाते हैं। जब तक हमारे आलू पक रहे हैं ना, तब तक हम जो पानी पूरी का जो गोलगप्पा होता है ना, वो वाला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने आटा लिया, उसके अंदर नमक मिलाया, गर्म पानी मिलाया, फिर उसको अच्छे से गूंदा। इस आटे को अच्छे से मसाज करते हैं। गाइस फाइनली रेडी हो गया, इसको ऐसे प्रेस करेंगे, गोलगप्पा बन गया। अभी ये आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। गाइस ऐसे खाने बनाने में ना बहुत ही मजा आ रहा है। बिना कुछ गिराए तो मैं खाना नहीं बना सकती, तो अभी मैं जो पानी पतासी का मसाला होता है ना, वो बना रही हूँ। मिर्च मसाला डालने के बाद में मैंने प्याज भी डाले। यह है एक नॉर्मल फ्राई पैन और ये रहा एक छोटा वाला फ्राई पैन जो कि मेरे थोबड़े से भी छोटा है। इसके अंदर हम तेल डालते हैं और बाद में ये पतासी। ओह नो, देखो कितनी गोल गोल पतासी बनाई है मैंने। वाह, क्यूट पतासी। मसाला तैयार हो गया, पतासी तैयार हो गई, अभी पानी तैयार करते हैं। सैडली कोरिया में गोलगप्पे के इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, तो जो भी मुझसे हो सका ना वो मैंने खरीदा और मैंने डाल दिया। ये चाकू कोई काम करने से कुछ भी नहीं करता। छोटी सी बाल्टी में पानी है तो ये भी डाल देते हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद में मैंने जो गरम मसाला होता है, जो इमली का मसाला होता है ना, वो भी ऐड कर दिया। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पहली बार पानी पतासी बनाई है, वो भी कोरिया में और वो भी ऐसे छोटी छोटी सी क्यूट सी। ये यार मैं इसके अंदर मसाला और पानी कैसे डालूंगी। एनीवे इसको फोड़ते हैं, ये मसाला डालते हैं। मोमोंग को ऐसे देखा मत, चलो मोमोंग को सिर्फ एक पतासी दे देते हैं। देखो कैसे पूंछ हिला रहा है। गमौगा पानी भी टेस्टी बना है। ये आटा और ये मसाला बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं एक पराठा बना दूँ। और फिर बाद में मैंने फटाफट एक मस्त राउंड राउंड पराठा बनाया। ये तो पैनकेक लग रहा है। बाय द वे गाइस, इन छोटी सी छाबड़ी में कुछ वेजिटेबल्स बच गए, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको इस फ्राई पैन में डालकर मिक्स सब्जी बना दूँ। सब्जी रेडी हो गई। ये रही, वाह क्या बदबू है। अभी इनको ट्राई करते हैं। मोमो ऐसे बेचारे की तरह बन रखा है जानबूझकर। मैंने ना इसको बहुत सारा खाना दे चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये जो मैं खाती हूँ ना, वो खाना खाना चाहता है। मेरा कुत्ता भी बहुत बोर हो रहा है, देखो कुत्ते पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा। डू यू वाना, मैंने बोला भी नहीं मोमो। मोमो मोमो रुक रुक, डू यू वाना गो आउट? यस। वाओ, मोमो मोमो को कुछ फ्रेंड्स मिल गए। ये मोमो कितना डरावना दिख रहा है ऐसे इस झूले पर।
खिलाने के बाद में मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अभी हम रामेन बनाते हैं। पानी को गरम करते हैं। तो जब तक हमारे नूडल्स का पानी गरम हो रहा है ना, हम किमपा बनाते हैं। आप सीवीड पेपर इस्तेमाल कर सकते हो या राइस पेपर भी यूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर चावल डाल के जो भी वेजिटेबल्स या फिर मीट आप रखना चाहो ना वो डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको सीवीड को ऐसे अच्छे से रोल करना है। इसके एंड बंद करने के लिए थोड़ा सा पानी लगा दो। एंड तदान, आपका किमपाप रेडी हो गया। बहुत ही ईजी है बनाने में। और अभी मैं जो नूडल्स है ना वो भी बना रही हूँ। ये रहा ऑरेंज जूस जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। ये रहे हमारे नूडल्स और ये रहा किमपाप मिनी चॉपस्टिक्स। यार मिनी चॉपस्टिक्स से कैसे खाते हैं? अरे मैं मजाक नहीं करी, जो नॉर्मल नूडल्स है ना उससे भी ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर रामेन पाउडर ज्यादा डाल दिया ना, तो इसीलिए वो ज्यादा टेस्ट आ रहा है। ये मिनी किमपाप कितना क्यूट है। गुड गुड गुड। सो गाइस आज के सिर्फ इतना ही। ओ माय गॉड, इतना क्यों ऑयली हो रखा है मेरा फेस। वैसे लगता नहीं है लेकिन इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट खाना जो मैंने बनाया ना वो कौन सा था। ये रहा क्लींसिंग ऑयल और ये रहा इसका छोटा बच्चा, तो मैं ये वाला यूज करूंगी मेरा मेकअप रिमूव करने के लिए। प्लीज आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय गाइस। मैं घर पर जा रही थी और फिर बाद में मुझे जेब में ये वाला गोला मिला जो कि मैंने CVS से लिया, तो मैं खाना ही भूल गई। अब इसको ओपन करते हैं तो ये अंदर से ऐसे ब्लू है। ओह मम्मू, तो ऐसे क्रीपली मुझे देख रहा क्यों है? यूजुअली जिम में हमेशा रात को आती हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं मिलते, क्योंकि ना मुझे सबके साथ वर्कआउट करने में पता नहीं क्यों शर्म सी आती है।